ये कैमरा जरा थोड़ा सेट कर दे। थोड़ा सा जरा नीचे, चलो जी, बस ठीक। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? जी आवाज आ रही है सबको? ओके जी, चलें स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 हम पढ़ रहे थे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, और हमने लास्ट में सेक्शन ब्रेक्स पढ़ा था कि सेक्शन ब्रेक्स किस तरह लगाते हैं। अच्छा जी, हेडर एंड फुटर भी हो गया था। हमने कंटिन्यूअस सेक्शन ब्रेक्स तो लगाई, लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कंटिन्यूअस सेक्शन ब्रेक के बाद। फिर आगे है इवन सेक्शन ब्रेक्स, फिर उसके बाद है ऑड सेक्शन ब्रेक। ठीक है जी? अच्छा जी, नहीं हमने मेरा ख्याल नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट पेज सेक्शन ब्रेक अभी अप्लाई की है। कंटिन्यूस भी अप्लाई नहीं की, और इवन और ऑड भी नहीं। कंटिन्यूस बिल्कुल सिंपल है, इंसर्ट अ ब्रेक एंड स्टार्ट नेक्स्ट सेक्शन ऑन द सेम पेज। अगर आप सेम पेज पे, मतलब एक चैप्टर खत्म हुआ है और वहीं से आप सेक्शन ब्रेक लगाकर दूसरा जो है वो चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वहां पे आप जो है सेक्शन ब्रेक लगाते हैं। इसका भी इफेक्ट समझा देता हूं। इसमें हेडर एंड फुटर तो सेम ही रहेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि पेज तो सेम है। अच्छा, अब जरा देखें, ये मिसाल के तौर पर हमारा एक, चलो मैं उसी तरह से जैसे हम डेटा लिखते होते हैं, अब देखें ये मिसाल के तौर पर ये चैप्टर यहां पे खत्म हो गया और हम दूसरा चैप्टर भी यहीं से शुरू करना चाहते हैं, तो मैं यहां पे सेक्शन ब्रेक लगाता हूं। लेआउट में गए, ब्रेक्स में गए, और लेकिन कौन सी अब सेक्शन ब्रेक लगा रहा हूं? कंटिन्यूअस। अब सेक्शन भी खत्म हो गया यहां पे और ये नया सेक्शन शुरू हो गया यहीं पे। जरा देखें, न्यू सेक्शन यहीं पे स्टार्ट हो गया। अब मैं एक काम करता हूं, जरा देखिएगा, मैं यहां पे लाइन नंबरिंग ऐड करता हूं। ये लाइन नंबरिंग है, ठीक है, और लाइन नंबरिंग पे कहता हूं रीस्टार्ट एट ईच सेक्शन। ये देखें लाइन नंबरिंग लग गई और यहां आके लाइन नंबरिंग खुद ही खत्म हो गई। इसका मतलब है यहां पे सेक्शन एक जो है वो खत्म हो गया, और यहां आके मैं फिर लाइन नंबरिंग अप्लाई करता हूं। ठीक है जी, रीस्टार्ट ईच सेक्शन, तो ये देखें यहां पे नई लाइन नंबरिंग शुरू होगी। इसका मतलब ये है कि यहां पे एक नया सेक्शन स्टार्ट हो गया, लेकिन ये नया सेक्शन जो था ये नेक्स्ट पेज वाला सेक्शन नहीं था। यानी एक हमने पिछले लेक्चर में समझा था सेक्शन ब्रेक फॉर नेक्स्ट पेज, फॉर नेक्स्ट पेज उसमें क्या होता था, हम सेक्शन ब्रेक लगा लेते थे और सेक्शन ब्रेक लगा के दूसरा जो नेक्स्ट पेज पे अगला सेक्शन है उसका हम हेडर एंड फुटर भी चेंज कर लेते थे, उसके अंदर लाइन नंबरिंग भी बहरहाल चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर हम जो है उसके मार्जिन्स भी चेंज कर सकते हैं, पेज नंबरिंग चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमने, पेज नंबरिंग डिफरेंट कर सकते हैं उसकी,
फिर हम पेज साइज भी मैंने आपको चेंज करना बताया था, और यहां पे अब हमारे पास क्या है, यहां पे हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, यहां पे हम लाइन नंबरिंग ही चेंज कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हेडर एंड फुटर तो ये पेज ही एक है, तो हेडर एंड फुटर तो दो नहीं बन जाएंगे, वो तो चेंज नहीं कर सकेंगे। साइज भी ऐसा नहीं हो सकता कि इतने हिस्से का पेज साइज और हो जाए, तो यहां पे सिर्फ अब हम लाइन नंबरिंग ही चेंज कर रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब है इवन और ऑड सेक्शन ब्रेक। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें जरा बात समझिएगा। इस वक्त मैं हूं जी पेज नंबर 3 पे हूं मैं इस वक्त, ये देखें पेज नंबर 3, और सेक्शन ब्रेक लगाता हूं, कौन सी, ऑड सेक्शन ब्रेक। याद रखना, ऑड सेक्शन ब्रेक हमेशा नया पेज जो स्टार्ट, जब हम आप ऑड सेक्शन ब्रेक लगाएंगे तो नया पेज हमेशा कहां से स्टार्ट होगा, ऑड पेज नंबर से। यानी अगर यहां सेक्शन ब्रेक लगाएंगे तो दरमियान में ये पेज नंबर 4 छोड़ के पेज नंबर 5 से जाके शुरू करेगा। ये चेक करें, ये देखे सेक्शन ब्रेक लग गई, कहां सेक्शन ब्रेक लगाई थी, पेज नंबर 3 पे, ये देखे पेज 3 पे, ये पेज 3 है, तो कंप्यूटर ने दरमियान में पेज 4 खाली छोड़ दिया। आप इससे नहीं परेशान होना, जब इसका प्रिंट निकलेगा तो दरमियान में पेज नंबर 4 जो है ना वो खाली है, यहां मौजूद है, यहां हमें नहीं नजर आ रहा, लेकिन यहां पे दरमियान में पेज नंबर 4 एक मौजूद है, ठीक है जी, क्लियर। पेज नंबर 4 मौजूद है और ये पेज नंबर 5 है, चेक करके देख लीजिए। देखें इधर पेज क्लिक किया तो पेज 3 आ रहा है, इधर क्लिक किया तो पेज 5 आ रहा है। वो दरमियान में उसने एक पेज, जब प्रिंटर ने प्रिंट करना है तो एक पेज दरमियान में पेज नंबर 4 खाली निकाल देना है। ये इसलिए होता है कि कई किताबें ऐसी होती हैं, मतलब आप अपनी बुक ही देख लें, एक इंटरेस्टिंग आपको फैक्ट अभी मैं बताता हूं, आपकी बुक पे हर चैप्टर जो स्टार्ट होगा, हमेशा पूरी बुक को पढ़ लें, चाहे मैं अगले चैप्टर पे आ जाता हूं फिर मैं आपको सही तरह से बता सकूंगा। अब आप ये आपकी बुक में देख लें, चैप्टर हमेशा, जो भी चैप्टर है वो हमेशा ऑड पेज से स्टार्ट होगा, कोई भी चैप्टर ले लें, कभी भी इवन से नहीं स्टार्ट होगा। कोई चैप्टर ले लेते हैं, चलो जी चैप्टर नंबर हम 5 जाके देख लेते हैं कि चैप्टर 5 कहां से शुरू हो रहा है, कोई ले लें 5 ले लें, 3 देख लें, हमेशा ऑड पेज से स्टार्ट होगा। ये देखो चैप्टर नंबर 3 कहां से स्टार्ट हो रहा है, 45, ठीक है। अगर पिछला चैप्टर 43 पे भी खत्म हो गया तो 44 पेज ये देखें खाली छोड़ा हुआ है, ये देखें 43 पे खत्म हुआ हालांकि, ये देखें, लेकिन 44 पेज खाली है। ये तो अब पीडीएफ फाइल बनी हुई है ना, इसमें वो समझे कि वो प्रिंट हो गया पेज, 44 खाली है, 45 हर हमेशा चैप्टर जो है वो ऑड पे। अब एक और कोई चैप्टर देख लेते हैं, ये देख लेते हैं, हमेशा ऑड से स्टार्ट होना, यहां भी ऐसा ही हुआ, 193 पे खत्म हो गया, 163 चाहे 164 पे खत्म हो, लेकिन चैप्टर नया स्टार्ट हमेशा किससे होना है, ऑड से। ये इस बुक का स्टाइल है, आपकी बुक का, अक्सर किताबों में ऐसे ही होता है कि या तो वो हर चैप्टर को इवन पेज से स्टार्ट करते हैं या वो ऑड पेज से स्टार्ट करते हैं। अमूमन होता है एट द एंड ऑफ द चैप्टर, अगर वो ऑड से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपने सेक्शन ब्रेक कौन सा लगाना है, ऑड सेक्शन ब्रेक, ताकि अगला चैप्टर हमेशा ऑड से ही स्टार्ट हो। अगर आप चाहते हैं कि अगला चैप्टर हमेशा इवन से स्टार्ट हो तो आपने फिर सेक्शन ब्रेक कौन सी लगानी है, इवन सेक्शन ब्रेक लगानी है, ठीक है जी, क्लियर है, ओके जी। इस तरह से आपने सेक्शन ब्रेक्स को अप्लाई करना है। लो जी, इवन सेक्शन ब्रेक भी आपको लगा के बता देता हूं, ये ऑड सेक्शन ब्रेक लगाई थी, अब इवन सेक्शन ब्रेक लगाते हैं। अभी पेज नंबर 5 पे हैं, पेज नंबर 5 पे मैं कौन सी सेक्शन ब्रेक लगा रहा हूं, याद रखना इवन सेक्शन ब्रेक लगा रहा हूं। लेआउट में गया और सेक्शन ब्रेक कौन सी, इवन, तो इवन तो हमेशा छठे पेज पे ही लेके जाएगा, पांच, हम पेज 5 पे हैं क्योंकि इवन सेक्शन ब्रेक है, तो ये
सिक्स से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी, ये देखें सिक्स से नया चैप्टर स्टार्ट हो गया। दोबारा से जरा बता देता हूं, वो मैंने क्योंकि दरमियान में वो क्लिक किया हुआ था, मुझे यहां क्लिक करना चाहिए था। यहां सेक्शन ब्रेक लगाता हूं, ये देखे इवन सेक्शन ब्रेक तो हमें पेज सिक्स पे ले गया बस, और अगर ऑड होता तो इसने सिक्स को छोड़ के सेवन पे ले जाना था। अच्छा, अब सिक्स पे मेरा चैप्टर खत्म हुआ है और मैं इवन सेक्शन ब्रेक लगाता हूं तो वो मुझे अब इवन पे लेके जाएगा। सिक्स के बाद इवन कौन सा आ रहा है, एट। ये देखें मुझे एट पे ले। तो ये सेक्शन ब्रेक्स का काम है, इवन सेक्शन ब्रेक और ऑड सेक्शन ब्रेक का मेरा ख्याल है बात समझ गए होंगे, और कॉन्टिन्यूस सेक्शन ब्रेक का भी मेरा ख्याल है कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। ठीक है, चलें जी, आज कोशिश करनी है भाई ये चैप्टर खत्म करें, तो काफी इसमें हमारा टाइम लग गया है। अच्छा जी, हेडर एंड फुटर भी हो गया, सेक्शन ब्रेक्स भी हो गया, पेज ब्रेक्स भी हो गया, अब है जी कॉलम्स। अब अगला हमारा टॉपिक आ रहा है कॉलम्स। अच्छा, कभी कभी हमें डेटा को कॉलम्स में, अच्छा सेक्शन ब्रेक को खत्म करना हो तो वो कैसे करेंगे, वो सिंपल है, वही नॉन प्रिंट करेक्टर उसको पहले शो करवाएंगे, वो हमें दिखा देगा कहां कहां सेक्शन ब्रेक्स लगाई है हमने, ये बता देगा, कहता तुमने यहां सेक्शन ब्रेक लगाई है, और कह रहा है तुमने यहां भी सेक्शन ब्रेक लगाई है। जहां सेक्शन ब्रेक हो उसके ऊपर आप करें, उसको करें ऐसे सिलेक्ट, और डिलीट का बटन दबा दें, सेक्शन ब्रेक खत्म हो गई, जो उससे आगे डेटा था वो भी देखें यहां पे आ गया, इसको फिर ऑफ कर दें। तो ये तरीका है सेक्शन ब्रेक को रिमूव करने का, वही बताया हुआ सारा, नॉन प्रिंट करेक्टर्स को पहले शो करवा लें, सेक्शन ब्रेक जहां हो उसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दें। ठीक है जी, अब अगला टॉपिक है जी कॉलम्स। कॉलम्स कैसे बनाने, हमने डेटा लिखा हुआ है और उस डेटा को सारे को कॉलम्स में कैसे बनाना है, यही हमारा डेटा है। लाइन नंबरिंग अगर चाहिए, आमतौर पर नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स में लाइन नंबरिंग नहीं होती, लेकिन ये कुछ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड अक्सर लाइन नंबरिंग यूज करते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोड होता है तो उसके अंदर लाइन नंबरिंग अक्सर यूज होती है, तो आम डॉक्यूमेंट्स में, लीगल डॉक्यूमेंट्स में लाइन नंबरिंग वगैरह यूज नहीं होती। तो मैं यहां से लाइन नंबरिंग खत्म करता हूं, लेआउट में जाके लाइन नंबरिंग नन, लाइन नंबरिंग खत्म हो गई, किस जो जहां से खत्म की जिस सेक्शन से सिर्फ वहीं से खत्म हुई होगी, इधर से भी खत्म कर दी। तो बहरहाल अब आगे चलते हैं, अब ये हमारा डेटा है, मैं इसको सारे को डेटा को करता हूं सिलेक्ट, कंट्रोल ए से सारे डेटा को मैंने किया सिलेक्ट कर दिया। अच्छा, अब मैं सिलेक्ट करने के बाद मैं चाह रहा हूं, अखबार में नहीं जैसे कॉलम्स होते, छह कॉलम्स में न्यूज़पेपर आप देखें तो उसमें कॉलम्स में ऐसे लिखा होता है जो भी न्यूज वगैरह होती हैं या जो भी, तो मैं भी चाह रहा हूं कि मेरे इस डेटा के तीन कॉलम्स बन जाए। तो मैंने पहले डेटा को सिलेक्ट कर लिया, ऐसा भी हो सकता है कि जस्ट किसी पैराग्राफ में क्लिक करें, ठीक है, सिलेक्ट किए बगैर भी आप बना सकते हैं, कहीं भी क्लिक कर दें तो वो ऑप्शन आएगा कॉलम में कि पूरे डॉक्यूमेंट को क्या कर दे, कॉलम्स में डिवाइड कर दे। वैसे बेहतर तरीका ये, अगर तो आपने पूरे डॉक्यूमेंट्स को ही कॉलम में करना है डिवाइड, तो फिर तो सिलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन अगर आपने किसी स्पेसिफिक मतलब डेटा है, ये इतना सा डेटा है सिर्फ इसको कॉलम में करना है, ये इतने डेटा को, तो फिर आप सिलेक्ट करें, कॉलम में जाएं, यहां से बता दें कितने कॉलम आपने बनाने हैं, मोर कॉलम्स में चले जाएं तो यहां ज्यादा ऑप्शन है, वही सिलेक्टेड टेस्ट, सिलेक्टेड सेक्शन या होल डॉक्यूमेंट, आप सेक्शन को भी कर सकते हैं, आप पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को भी आप कॉलम में बदल सकते हैं, और आप जो है स्पेसिफिक जो है वो सिलेक्शन को भी कर सकते हैं, कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इन दिस वे यू कैन क्रिएट कॉलम्स, लाइक मैंने यहाँ पे थ्री कॉलम्स मैंने बना दिए, तो तीन कॉलम्स में अब हमारा डेटा अब आ जाएगा। ये देखे मैंने तीन कॉलम्स में
अगर मैं कॉलम्स के दरमियान लाइन भी लगाना चाहता हूं तो लाइन भी लगा सकता हूं। तीन से ज्यादा मैंने चार कॉलम बनाने तो यहां मैं फोर टाइप कर दूंगा, ठीक है जी। और अगर मिसाल के तौर पर मुझे दो कॉलम्स बनाने तो वो तो ऑप्शन मौजूद है। अगर इस तरह का बनाना है कि लेफ्ट साइड का कॉलम जरा छोटा हो और राइट साइड वाला बड़ा हो, या राइट साइड वाला छोटा हो और लेफ्ट का बड़ा हो, तो वो भी हम यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। अपनी मर्जी से भी बता सकते हैं कि कॉलम तो दो ही हो लेकिन लेफ्ट साइड वाला कॉलम जो है वो फोर, पहला वाला कॉलम जो है वो 4 इंच उसकी विड्थ हो, तो इस तरह से भी हम ये सेट कर सकते हैं। और दरमियान में अच्छा एक हमें चेंज करनी पड़ेगी, देखें ये इक्वल कॉलम विड्थ, मैंने 4 लिखा तो 4 पे उसने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, बल्कि मुझे उसने कहा 3.25 के कॉलम बन सकते हैं दो, क्योंकि टोटल जगह जो है वो 6.5 इंच है इसमें, और दरमियान में भी कह रहा कि बिल्कुल मैंने जगह नहीं छोड़नी 0 इंच, क्योंकि इक्वल कॉलम वेट थी। इक्वल को करें खत्म और यहां पे कर दें 4 इंच। अब देखें उसने ये 4 इंच का बना दिया और ये 2.5 इंच का, और दरमियान में मैं कहता हूं नहीं आधा इंच स्पेस भी दो, तो अपने ये 4 इंच, आधा इंच स्पेस और 2 इंच का राइट वाला कॉलम, तो इस तरह से भी हम बना सकते हैं कॉलम्स। ये देखें उसने डेटा को कॉलम्स में बदल दिया और डेटा के दरमियान लाइन भी लगा दी, स्पेस भी दे दी। अच्छा अब कॉलम्स को खत्म करना है तो उसका तरीकाकार ये होता है कि जहां कॉलम्स बनाए थे आप उनको करें सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, वन कॉलम कर दें बस। जस्ट कॉलम को खत्म करने के लिए रिमूव कॉलम का कोई ऑप्शन नहीं है, बस वन कॉलम कर दें। ये बात ज़हन में रखनी, अक्सर ये एमसीक्यू में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ टू, इफ यू हैव 3 कॉलम्स इन योर डॉक्यूमेंट हाउ यू कैन रिमूव कॉलम्स। तो नीचे ऑप्शन आ रहा है क्लिक डिलीट कॉलम्स, क्लिक रिमूव कॉलम, और तीसरा आ रहा है क्लिक वन कॉलम, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। अब ज्यादा ध्यान जाएगा डिलीट कॉलम्स पे या रिमूव कॉलम्स पे, हमारा माइंड जाएगा उधर के, पता नहीं मेरा ख्याल है, मतलब हमारे जेहन में आएगा रिमूव कॉलम कर देंगे तो रिमूव हो जाएंगे, लेकिन रिमूव से नहीं, वन कॉलम, कोई रिमूव का ऑप्शन नहीं है, चेक कर ले, ठीक है जी। वन कॉलम करेंगे यानी तब भी हमने कॉलम ही बनाने हैं, सिलेक्ट करेंगे कॉलम में जाएंगे और वहां पे जाके ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे वन कॉलम, तो इस तरह से कॉलम्स जितने भी बने होंगे वो सारे खत्म हो जाएंगे। बाय डिफॉल्ट हमारा पेज पहले ही सिंगल कॉलम में ही होता है, यानी ये एक ही कॉलम चल रहा है, क्लियर। चलो जी आगे चलते हैं, कॉलम्स का टॉपिक भी हो गया, आज कोशिश करनी है खत्म हो जाए चैप्टर। रिमूव कॉलम, ठीक है जी, क्या करना है सिलेक्ट वन, ये देखो वन कॉलम वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है तो रिमूव हो जाएगा। अगला टॉपिक है जी पेज सेटअप। पेज सेटअप में 5 चीजें पढ़ेंगे, वाटरमार्क, रूलर, पेज ओरिएंटेशन, लाइन नंबर्स और मार्जिन। तकरीबन इसमें से हमने 3-4 चीजें हम पढ़ चुके हैं, रूलर वाला टॉपिक थोड़ा सा लेंथी होगा, बाकी तो तकरीबन हम पढ़ चुके हैं। वाटरमार्क और रूलर ये जरा डिटेल से पढ़ते हैं, पेज ओरिएंटेशन वगैरह मैं बता तो दूंगा लेकिन आपने पहले ही पढ़ी होगी। वाटरमार्क क्या होता है पहले ये समझ लेना है। आमतौर पर कोई भी डॉक्यूमेंट आपने बनाया, पेज के पीछे आपको एक कोई निशान सा, धुंधला सा, एक बिहाइंड द डॉक्यूमेंट एक टेक्स्ट या पिक्चर आपको अपीयर हो रही होती है, वो जरा आमतौर पर थोड़ा सा वो धुंधला सा होती है पिक्चर, मतलब एक डॉक्यूमेंट चल रहा है और पीछे से लिखा हुआ टिप्स कॉलेज, या एक डॉक्यूमेंट चल रहा है पीछे मतलब लिखा हुआ पाकिस्तान का झंडा बना हुआ है, ठीक है जी। तो ये एक मतलब इसको कहते हैं वाटरमार्क, ये टेक्स्ट या इमेज जो किसी टेक्स्ट के बिहाइंड, डॉक्यूमेंट की टेक्स्ट के बिहाइंड आपको नजर आ रही हो, इसको कहते हैं वाटरमार्क। आमतौर पर ये किस तरह के, कई किसी कोई डॉक्यूमेंट बना हुआ उसके बैक पे मतलब लिखा हुआ आ रहा है ड्राफ्ट या कॉन्फिडेंशियल या अर्जेंट या किसी कंपनी का लॉगो, ये देखे 4 पॉइंट्स बताए हुए, ठीक है, तो उसे वाटरमार्क कहते हैं। अभी आपको बताता हूं कि कैसे वाटरमार्क लगाना है हमने। ले जी वाटरमार्क लगाते हैं इस डॉक्यूमेंट के पीछे, वाटरमार्क लगाते हैं। वाटरमार्क के लिए हम वाटरमार्क डिजाइन में होना चाहिए जी, डिजाइन में ही है, डिजाइन में ये है वाटरमार्क।
अब मैं चाहता हूं मेरे इस डॉक्यूमेंट के बैक पे लिखा हुआ है कॉन्फिडेंशियल और इस तरह से डायगोनल में लिखा है, तो ले जी मैंने जस्ट क्लिक किया, लो जी वाटरमार्क अप्लाई हो गया। ये देखें बैक पे धुंधला सा नजर आ रहा है पीछे थोड़ा सा CON कॉन्फिडेंशियल, ठीक है जी, यहां भी कॉन्फिडेंशियल, तो इसे वाटरमार्क कहते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं नहीं, वाटरमार्क एक पिक्चर एज अ वाटरमार्क आए, तो मुझे जाना पड़ेगा कस्टम वाटरमार्क में। अब मैं कहता हूं टेक्स्ट वाटरमार्क नहीं चाहिए, अगर मैं चाहता हूं मेरा नाम लिखा हुआ है टेक्स्ट ही चाहता हूं, सुहेल तारिक लिखा हुआ है इसके बैक एंड पे, या टिप्स कॉलेज लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे वाटरमार्क और इसको सेमी ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ, डायगनल कर देता हूँ। थोड़ा सा जरा डार्कर चाहता हूं तो मैंने यहाँ पे कलर भी थोड़ा डार्क चूज कर लूंगा, तो वो मुझे जरा और डार्क नजर आएगा। ये देखे अब वाटरमार्क थोड़ा डार्क नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब मुझे टेक्स्ट वाला वाटरमार्क नहीं चाहिए, वाटरमार्क में गए कस्टम वाटरमार्क में चलेगा और वहां पे पिक्चर वाटरमार्क। अब मुझे एक तस्वीर ऐसा वाटरमार्क चाहिए, तो मुझे मैं यहां इंटरनेट से सर्च कर लेता हूं, यहां पे लिखता हूं पाकिस्तान, मुझे पाकिस्तान का झंडा लगाना है एज अ वाटरमार्क, तो मैं पाकिस्तान का झंडा यहां से चूज करूंगा तो मुझे मिल जाएगा यहां पे। अच्छा मैंने पाकिस्तान, चलो जी ये मिल गया मुझे, क्लिक करके इंसर्ट का बटन दबाया, अप्लाई किया, तो देखें बैकग्राउंड पे वो पाकिस्तान का झंडा देखें आ रहा है, नजर आ रहा है टेक्स्ट के बिहाइंड जो है। तो अब ये पिक्चर एज अ वाटरमार्क मैंने लगा दी। अगर हमने अपना टिप्स कॉलेज का लोगो लगाना है तो वो हम लोगो भी लगा सकते हैं बैक एंड पे, ठीक है जी। तो इस तरह से इसे हम कहते हैं वाटरमार्क। अब वाटरमार्क को खत्म कैसे करना है, वाटरमार्क को खत्म करने के लिए वाटरमार्क में जाएं, रिमूव वाटरमार्क का ऑप्शन भी है आपके पास, आप इससे भी कर सकते हैं, और कस्टम वाटरमार्क के अंदर जाके नो वाटरमार्क कर दें और अप्लाई कर दें, तो तब भी वाटरमार्क खत्म हो जाता है। दो ऑप्शन है, एक है रिमूव वाटरमार्क, दूसरा कस्टम वाटरमार्क में ही जाके ये जो पहला ऑप्शन है नो वाटरमार्क, इससे तो पिक्चर लग जाएगी, इससे टेक्स्ट हो जाएगी, इधर से नो वाटरमार्क कर देंगे तो जो भी वाटरमार्क लगा हुआ होगा वो रिमूव हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है जी, क्लियर है, वाटरमार्क का पता चल गया, ठीक। अच्छा जी आगे चलते हैं, रूलर, लो जी रूलर को जरा आप समझना है, ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है। तो रूलर का जो बेसिकली, तो मैंने आपको रूलर का क्या काम है, कुछ बेसिक काम तो मैंने आपको बता दिया था, तो वो बेसिक काम क्या था कि रूलर के जरिए से मेजरमेंट कर सकते हैं। देखिए वैसे भी हम वो रूलर से मेजरमेंट ही करते हैं ना, तो ये भी हम डॉक्यूमेंट की मेजरमेंट कर लेते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को मेजर कर लेते हैं कि भी डॉक्यूमेंट का कितना एरिया है जिसमें हमने डेटा लिखना है, कितना एरिया है जो मार्जिन्स में खाली रहेगा, जो एज अ मार्जिन रहेगा, तो इस तरह से हम जो है वो रूलर को सेट कर लेते हैं, ठीक है जी, क्लियर। अब है टैब स्टॉप, टैब स्टॉप रूलर में, ये वाला पॉइंट मैंने नहीं आपको बताया था, रूलर तो बताए थे दो तरह के हैं, हॉरिजेंटल रूलर है और वर्टिकल रूलर है। टैब स्टॉप्स के लिए हम जो हॉरिजेंटल रूलर है उसको यूज करते हैं, और ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज है टैब स्टॉप जो है, चलें चेक करते हैं। ये छह मुख्तलिफ किस्म के टैब स्टॉप्स हैं, ये अभी आज मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से टैब स्टॉप्स हैं, लेफ्ट टैब, सेंटर टैब, राइट टैब, डेसिमल टैब, फर्स्ट लाइन इंडेंट और हैंगिंग इंडेंट, ठीक है जी। अच्छा चलें जी अब देखते हैं टैब स्टॉप। इंश्योर द रूलर इज विजिबल, टैब स्टॉप लगाने के लिए आपको पहली बात तो ये आपका रूलर विजिबल होना चाहिए। ये समझे कि जिस तरह के एक लॉन्ग जर्नी होती है ना, तो उसमें हम कुछ स्टॉप्स बना लेते हैं, मतलब जैसे हमने अक्सर कभी मतलब अपनी गाड़ी पे भी जा रहे हो या किसी कोच पे जा रहे हो आप इस्लामाबाद, तो आपको वो रस्ते में कभी किसी कलर का हार पे आमतौर पर वो स्टे कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, कहते हैं आप जरा वो फ्रेश हो जाएं, वो चाय शाय पीनी है वो पी लें। अक्सर हम खुद भी जा रहे होते हैं तो हम लोग रस्ते में थोड़ा सा स्टे कर लेते हैं, मतलब दो घंटे ड्राइव की
और दरमियान में स्टे कर लिया, चाय शाय पी ली, ठीक है जी, नमाज पढ़ ली वहां पे। तो इस तरह से एक लॉन्ग जर्नी में हम दरमियान में वो स्टॉप ले लेते हैं। तो इस तरह से अपने डॉक्यूमेंट के अंदर भी कभी कभी हमें स्टॉप लेना होता है कहीं किसी जगह पे, कि यहां स्टॉप करना है और यहां से फिर नेक्स्ट अगला कुछ और डेटा लिखना शुरू करना है। डॉक्यूमेंट को अमूमन हम हिस्सों में डिवाइड करते हैं इसके जरिए से, टैब स्टॉप्स के जरिए से। तो देखें, अभी मैं आपको इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको करके बताता हूँ। जरा देखिएगा, मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ और से मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट में सीवी बना रहा हूँ। मैं थोड़ा सा देखें, इस वक्त कीबोर्ड से मैं कीबोर्ड प्रेस करता जा रहा हूँ और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे स्पेस दी, ये देखें मैंने कुछ स्पेस दी, और स्पेस देने के बाद फिर मैं कीबोर्ड से वो प्रेस करता जा रहा हूं और यहां पे मैं लिख रहा हूं जी, सुहेल तारिक। फिर मैंने एंटर किया, अगली लाइन पे आ गया, फिर मैं स्पेस दे रहा हूं और मैं इस चीज को इंश्योर कर रहा हूं, ये है वो स्टॉप, ये देखें ये स्टॉप है। मैं चाह रहा हूं यहां पे लिखा हुआ है फादर्स नेम, फिर स्पेसेस हो दो चार, मतलब मुझे वो एक तरह से मेजर करना पड़ता है। और यहां पे मैंने लिख दिया जी मोहम्मद तारिक। अच्छा, अब ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, अगर यही काम मैं टैब स्टॉप्स के जरिए से करूं तो बड़ी आसानी से कर सकता हूं, आपने इसकी प्रैक्टिस करके देखनी। अब जरा देखिएगा, अब मैं आपको आसानी से, मैं दो टैब स्टॉप्स लगाता हूं। पहली बात तो यह कि टैब स्टॉप जब आपने लगाने हैं तो आपका ये विजिबल होना चाहिए, पहली बात, ठीक है जी, आपका जो रूलर है दैट शुड बी विजिबल, रूलर विजिबल है हॉरिजेंटल वाला, बस ये। यहां से आपने पहले टैब स्टॉप को चूज करना है, आपने लेफ्ट टैब लगाना है राइट टैब लगाना है, वो सारा अभी पता चल जाएगा, लेफ्ट टैब कब लगाना है राइट टैब कब। मैंने इस वक्त लेफ्ट टैब लगाना है तो मैंने यहां पे क्लिक किया जी लेफ्ट टैब को, और एक यहां पे लेफ्ट टैब लगा दिया, ये देखें ये निशान सा बन गया, और एक रूलर में मैंने यहां पे जाके लेफ्ट टैब, बस क्लिक करना है, दो टैब्स लग गए। अब आपके लिए काम बड़ा आसान हो गया। अगर आप देखें मेरे पास ये कीबोर्ड है, अगर आप ध्यान दें मेरी तरफ, तो ये मैं जस्ट टैब का बटन दबाऊंगा, और अब स्क्रीन पर देखें सिर्फ टैब का बटन दबाया, मैं एग्जैक्टली उस प्लेस पर चला गया जहां पे मैंने वो टैब लगाया था। फिर टैब दबाऊंगा, अब मुझे बार बार स्पेस का बटन प्रेस नहीं करना पड़ेगा, टैब दबाऊंगा तो मैं एग्जैक्टली उस प्लेस पे चले जाऊंगा जहां पे मैंने दूसरा टैब लगाया था, और वहां जाके मैंने लिख दिया सुहेल तारिक। अब मैं अगली लाइन में गया, फिर टैब दबाया, एग्जैक्टली मैं वहां पे पहुंच गया जहां पे मैंने अब फादर्स नेम लिखना था। लें जी, इस तरह से बड़ी ही आसानी से हम ये टैब्स लगा सकते हैं। ठीक है जी, जस्ट टैब, टैब का बटन, कीबोर्ड पे भी टैब का बटन होता है ये, उसको यूज करते हुए बड़ी आसानी से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर, आगे चलें। लो जी, अब आगे चलते हैं। ये था लेफ्ट टैब। लेफ्ट टैब का फर्क ये है कि जहां हम लेफ्ट टैब लगाते हैं डेटा लेफ्ट साइड पे अलाइन हो जाता है और डेटा लेफ्ट से राइट की तरफ जाता रहता है। यहां भी क्लिक किया, लेफ्ट टैब लगाया, लेफ्ट से डेटा किस तरफ को जाता गया, राइट की तरफ। ठीक है, इस तरह से हम ये लेफ्ट टैब को यूज करते हैं। अब हमें अगर चाहिए राइट की तरफ हमने डेटा इस तरह से लिखना हो कि डेटा राइट से लेफ्ट की तरफ जाए, तो हम ये देखें राइट टैब, अब मैं राइट टैब लगाता हूं। अब टैब का आपको काम पता चल गया, अब मैं बाकी सारे एक दफा समझा दूं। ये देखें, यहां से टैब दबाया उसी प्लेस पे पहुंच गया, वहां लिखा नेम, फिर टैब दबाया, ठीक है जी। अब डेटा किस तरफ को जा रहा है जरा जेहन में रखना है,
डेटा अब राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा, राइट पे सेट रहेगा। ये देखें मैंने यहां पे लिखा फादर्स नेम, वो राइट से आगे नहीं जा रहा, जो राइट टैब जहां लगा है राइट पे वो फिक्स्ड है, यहां से इधर को जा रहा है डेटा। अब मैं टैब दबा के यहां गया, यहां मैंने लिखा मोहम्मद तारिक, लो जी। तो यानी राइट साइड से सेट रहेगा आप डेटा जब आप राइट टैब लगाएंगे, बस इतना फर्क है, बाकी एक ही चीज है, ठीक है। अब लेफ्ट और राइट टैब हमने देख लिया, अब है जी सेंटर टैब। सेंटर टैब हमने कब लगाना है जी कामरान, जी कामरान एक मिनट सर, लेफ्ट टैब दोबारा बता दें। जी जी दोबारा बता देते हैं, कामरान कौन है, अभी कामरान ने भी हैंड रेज किया था। अच्छा चलो जी, शायद यही पूछना हो मेरा ख्याल, इधर कामरान तो कोई नहीं है वैसे। चलो जी मैं अभी पहले तो ये बता दूं, लेफ्ट टैब दोबारा बता देता हूं जी, जरा देखें लेफ्ट टैब पहले यहां से सिलेक्ट करें, जहां जिस जिस पोजीशन पे आपने लेफ्ट टैब लगाना है उस पोजीशन पे जाके क्लिक कर दें। ये देखो दो जगह पे क्लिक किया, दोनों जगह पे वो लेफ्ट का ऐसे एल सा बन गया। अब कीबोर्ड से जब आपने लिखना शुरू करना, पहले टैब्स लगा देने, अब लिखना जब शुरू करना है तो पहली लाइन पे है, आपने यहां स्टार्ट से नहीं लिखना शुरू करना। मैं चाहता हूं कि मैं कहां से लिखना शुरू करूं, जहां पे मैंने टैब लगाया हुआ टैब दबाऊंगा और यहां पे लिखूंगा नेम, लो जी। फिर टैब दबाऊंगा, यहां पे लिखूंगा सुहेल तारिक, इस तरह से वो सेटिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी। एंटर दबाऊंगा, फिर टैब फादर्स नेम, फिर टैब दबाऊंगा मोहम्मद तारिक। तो इस तरह से हम टैब्स के जरिए से ये काम कर सकते हैं। बस लेफ्ट और राइट का फर्क इतना ही है कि राइट में अगर राइट लगाया होता तो डेटा इस तरफ से उधर को, ये नेम इधर को लिखा होता, यानी इधर से अलाइन होता और इस तरफ को आपको नजर आता। तो ये फर्क है बस लेफ्ट और राइट में, ठीक है जी। अब मैं सेंटर टैब आपको लगा के बताता हूं। सेंटर टैब बहुत कम यूज होता है, मैंने दो जगह पे सेंटर टैब लगाया। ये आमतौर पर कोई जैसे कोई पोएम वगैरह आपने कोई लिखनी हो तो उसके लिए आमतौर पर ये सेंटर टैब यूज होता है। ये जरा देखिएगा सेंटर टैब पे, सेंटर टैब जो लगाते हैं तो उसमें डेटा जो होता है ना सेंटर टैब के दोनों तरफ इक्वली डिवाइड होता है, तो ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर सा बन जाता है, ठीक है जी। तो ये सेंटर टैब इस स्टाइल में डेटा को, यानी जिस जगह पे आपने सेंटर टैब लगाया होगा उसके दोनों तरफ डेटा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो ये बहरहाल ज्यादा यूज नहीं होता। उसके बाद है जी डेसिमल टैब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी मैं अभी आपको थोड़ा सा बता देता हूं। मिसाल के तौर पर हम एक बिल बना रहे हैं तो बिल में मैंने ये लिखा कि एक प्रोडक्ट है वो 78 रुपीज 16 पैसा की है, एक है जी 2005 रुपए 70 पैसे की है, और एक प्रोडक्ट है जी 12 रुपए जो है वो 225 इतना, यानी ये उसकी प्राइस है, और एक प्रोडक्ट है वो 4 रुपए 50 पैसे की। तो अब इनको अगर हम जरा देखें, मैथमेटिक्स ये कहती है कि ये पॉइंट जो है वो एक ही प्लेस पे होना चाहिए। अब हम मतलब 0 को 5 से प्लस तो नहीं कर सकते, 2 से इस 0 को, क्यों जी। तो इस तरह की सिचुएशन में ये मतलब ये सूटेबल नहीं है, न्यूमेरिक अगर एंट्री इसमें करनी है वर्ड में, तो उसके लिए हमारे पास ये एक बड़ा जबरदस्त है जी डेसिमल टैब। यहां पर क्लिक करते जाएं तो डेसिमल टैब आ जाएगा। डेसिमल टैब मैंने मिसाल के तौर पर यहां लगा दिया। अब मैं तकरीबन उसी टाइप की वैल्यूज लिखूंगा, 45.60 और
2005 15.225 4.50। इसमें अगर आप चेक करें तो ये सारी वैल्यूज ठीक हैं। इस जीरो को फाइव से ही प्लस करना चाहिए, इसको टू से करना चाहिए, इसको जीरो से करना चाहिए, ये फाइव किसी से प्लस नहीं होगा, ये एज इट इज आ जाएगा जब भी हमने प्लस करना है। तो इसमें अगर गौर करें तो पॉइंट जो है ना वो एक ही जो है प्लेस के ऊपर है, यानी पॉइंट के इस तरफ जो है हमारा इंटीग्रल पार्ट यानी इंटीजर पार्ट आ रहा है और इस तरफ को फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है। तो इस तरह का अगर डेटा हमने लिखना हो तो हम फिर यूज करते हैं डेसिमल टैब। ठीक है जी, ये चारों टैब्स हो गए, लेफ्ट टैब, राइट टैब, सेंटर टैब, डेसिमल टैब, अलाइन नंबर्स अराउंड ए डेसिमल पॉइंट। अब देखते हैं जी फर्स्ट लाइन इंडेंट और हैंगिंग इंडेंट। पहले फर्स्ट लाइन इंडेंट देख लेते हैं। फर्स्ट लाइन इंडेंट कहां लगाते हैं? आपने अक्सर देखा होगा बुक्स के ऊपर कि जब भी कोई पैराग्राफ स्टार्ट होता है तो पैराग्राफ थोड़ा सा, पैराग्राफ की जो पहली लाइन है वो थोड़ी सी स्पेस देने के बाद पहली लाइन लिखी जाती है, उस स्पेस को कहते हैं फर्स्ट लाइन इंडेंट। फर्स्ट लाइन इंडेंट के लिए आपने सिर्फ इतना करना है कि ये आपको रूलर के अंदर ये ऊपर एक छोटा सा ट्रायंगल सा नजर आ रहा है, बस इसको आपने उठा के यहां ले आना है। मतलब जितनी भी आपने स्पेस देनी है फर्स्ट लाइन के अंदर, और उसके बाद आपने अपना पैराग्राफ स्टार्ट करना है। अब जरा देखिएगा, हमेशा हमारा पैराग्राफ यहां से स्टार्ट होगा। अब लेकिन बाकी सारी लाइनें वो शुरू से स्टार्ट हो रही। अब मैं अगला पैराग्राफ शुरू करने लगा हूं, देखें एंटर करता हूं, न्यू पैराग्राफ स्टार्ट होता है, वो भी वहीं से स्टार्ट होगा। तो इसे कहते हैं फर्स्ट लाइन इंडेंट। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपकी आपके जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर जो पैराग्राफ है वो हमेशा इस प्लेस से स्टार्ट हो, ये जो जगह है यहां से स्टार्ट हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट लाइन इंडेंट यूज करेंगे। ठीक है जी, क्लियर हो गया? फर्स्ट लाइन इंडेंट तो अक्सर आपने किताबों में बुक्स में देखा होगा, लेकिन हैंगिंग इंडेंट नहीं देखा होगा, शायद किसी बुक में हो इस तरह का, लेकिन मैंने बहुत कम देखा है। हैंगिंग इंडेंट यह होता है कि फर्स्ट लाइन तो हमेशा शुरू से स्टार्ट होगी, लेकिन बाकी लाइनें थोड़ी सी पैराग्राफ की लाइन नंबर 2, 3, 4 बाकी जितनी भी लाइंस हैं वो थोड़ा सा फासला शो करके फिर मतलब शो हो, तो उसके लिए हम करेंगे हैंगिंग इंडेंट। यहां से अब नीचे वाला ये जो बॉक्स है इसको आपने पकड़ना है, सॉरी ये नीचे वाले को, अच्छा एक काम पहले कर लें, यहां से भी हैंगिंग इंडेंट चूज कर लें। ये हैंगिंग इंडेंट आ गया, देखें सॉरी ये फर्स्ट लाइन है, हैंगिंग इंडेंट चूज कर लें। ये क्यों नहीं मूव कर रहा? अच्छा एक और तरीका भी है, वो खुद ही हो जाएगा, ये मेरे क्लिक करने में हमें इश्यू हो रहा थोड़ा सा। एक और तरीका, यहां पे जाके करें डबल क्लिक, हैंगिंग इंडेंट होना तो चाहिए यहां पे, जस्ट अ मिनट। हाँ ऐसे कर लें, इसको यहां पे लगा लें
और ये हैंगिंग इंडेंट है। अब इसको आप जब लेके जाएंगे ना, हैंगिंग इंडेंट को ये देखें, यहां ले गए और फर्स्ट लाइन इंडेंट को पीछे रहने देना है। अब आप चेक करें कि पहली लाइन आपकी शुरू से स्टार्ट होगी और बाकी जितनी भी लाइंस हैं वो आपकी वहां से स्टार्ट होंगी जहां आपने हैंगिंग इंडेंट दिया है। अब मैं अगला पैराग्राफ शुरू करने लगा हूं, उसमें भी फर्स्ट लाइन वहीं से स्टार्ट हो रही है और बाकी जितनी भी लाइंस हैं वो वहां से स्टार्ट हो रही हैं जहां पे आपने हैंगिंग इंडेंट को सेट किया हुआ है। इन दिस वे यू कैन यूज हैंगिंग इंडेंट। ठीक है जी, तो जी हैंगिंग इंडेंट का भी पता चल गया। अब आगे चलते हैं, टैब स्टॉप्स और हैंगिंग इंडेंट पता चल गया। पेज ओरिएंटेशन तो सिंपल है, दो ही पेज ओरिएंटेशन है, एक है पोर्ट्रेट और दूसरी है लैंडस्केप। बस ये देखें, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अगर आप चाहते हैं डॉक्यूमेंट विड्थ वाइज हो, यानी विड्थ सॉरी कॉलम वाइज हो, ऐसे लंबाई में हो, हाइट ज्यादा हो और विड्थ कम हो, तो फिर आप पोर्ट्रेट। और अगर आप चाहते हैं कि आपने डेटा इस तरह से इसके ऊपर सेट करना है कि विड्थ ज्यादा हो और जो है हाइट कम हो, तो इस फिर आप यहाँ पे ओरिएंटेशन लैंडस्केप कर लें, लेकिन डिफॉल्ट ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट ही होती है। उसके बाद जी अगला होगा साइज का, मेरा ख्याल है मार्जिन्स। ठीक है जी, मार्जिन में पेज के साइड्स के ऊपर ये जो मार्जिन है ये कितना, इनका साइज हम फिक्स कर सकते हैं, हमारी मर्जी है अपने मुताबिक साइज। ये मार्जिन, मार्जिन्स का साइज 1 इंच भी रख सकते हैं, 5 आधा आधा इंच भी रख सकते हैं, और अपनी मर्जी से कस्टम मार्जिन में जाके हम खुद से भी बता सकते हैं कि मार्जिन कितना कितना रखना है। लेकिन अहम चीज अब यहां पे एक बता दूंगा, वो है गुटर मार्जिन। ये गुटर इस वक्त 0 है, तो जरा देखिएगा हर तरफ मार्जिन कितना है, आधा आधा इंच है, लेकिन जरा देखिएगा गुटर इधर भी आपने गौर करना है। अब मैं मार्जिन दे रहा हूं, गुटर मार्जिन कितना है जी, 0.7 इंच। तो इधर देखें, ये इसलिए होता है बाइंडिंग के लिए, कागज के ऊपर थोड़ा सा मार्जिन सिर्फ इसलिए छोड़ देना कि इतने हिस्से में रिंग बाइंडिंग या कोई भी बाइंडिंग होगी, उस बाइंडिंग के मार्जिन को हम कहते हैं गुटर। अब वो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, उसमें हम लेफ्ट पे भी गुटर मार्जिन छोड़ सकते हैं और टॉप पे भी छोड़ सकते हैं। ये देखें, अगर हमने बाइंडिंग टॉप से करवानी है तो टॉप पे भी छोड़ सकते हैं। तो ये पेपर में पूछा जा सकता है, व्हाट इज गुटर या व्हाट इज गुटर मार्जिन। तो आपने कहना है कि मार्जिन स्पेसिफिकली सेट फॉर बाइंडिंग। ठीक है जी, इट कैन बी सेट एट लेफ्ट और टॉप, ये लेफ्ट और टॉप पे सेट हो किया जा सकता है। ठीक है जी, गुटर मार्जिन। ठीक है, चलो जी अभी आज के लिए इतना ही काफी है, तो थोड़ा सा ये रह गया चैप्टर, ये खत्म करेंगे कल और फिर नेक्स्ट आगे शुरू करेंगे। ठीक है, चलें जी आज के लिए इतना ही काफी है। क्वेश्चन कोई पूछना चाहते हैं तो अभी पूछ लें, हमारे पास 4 मिनट है जी। एनी क्वेश्चन, जी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, स्पेशली टैब्स का आज जो टॉपिक था वो जरा मेरे ख्याल में इसमें अक्सर स्टूडेंट पूछते होते हैं क्वेश्चन। वैसे एक तो पूछा था लेफ्ट टैब, आप में से किसी ने पूछा था लेफ्ट टैब कैसे लगाते हैं, वो दोबारा बता दें जी। तनवीर, तनवीर क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, पूछें। सर एंड से वो सिग्नल प्रॉब्लम आ गया था, एंड वाला टैब समझा दें। एंड वाला वो हैंगिंग इंडेंट। यस, और सर ये भी पूछना था कि एक टाइम पे दो टैब इस्तेमाल हो सकते हैं, यानी कि दो। बिल्कुल बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, अभी बताता हूं। लो जी, एक वक्त में दो क्वेश्चन पूछे हैं इन्होंने कि एक वक्त में दो टैब इस्तेमाल हो सकते हैं, तो दोनों टैब इस्तेमाल करके पहले बता देता हूं। एक पहले लगा दिया राइट टैब, ये राइट टैब है, इधर डेटा राइट की तरफ से सेट हो, अलाइन हो, और एक लगा देता हूं लेफ्ट टैब। अब जरा देखिएगा, टैब दबाया, यहां लिखा आ गया नेम स्पेस, फिर टैब दबाया, यहां आ गया सुहेल तारिक। नेक्स्ट लाइन टैब दबाया, फादर्स नेम, और इधर आ गया
मोहम्मद तारिक, मैं अभी दे रहा हूं। अब जरा देखें, ये यहां पे है राइट टैब और यहां पे है लेफ्ट टैब, समझ रहे हैं? दोनों टैब लगा दिए। फिर लास्ट वाला पूछ रहे थे कि सर हैंगिंग इंडेंट कैसे यूज करना है, तो आप चाहे इसको असल में लेके जाना, नीचे वाले को, नीचे वाले को उठा के इधर ले जाएं और अब आप टाइप करते जाएं। फर्स्ट लाइन हमेशा स्टार्ट से शुरू करेगा और बाकी जितनी भी लाइनें हैं वो स्टार्ट से नहीं शुरू करेगा, वो हमेशा वहां से शुरू करेगा जहां पे हमने हैंगिंग इंडेंट अप्लाई किया हुआ है। ठीक है जी? यस सर। दिस इज कॉल्ड हैंगिंग इंडेंट। जी, एनी अदर क्वेश्चन? सर अगर क्वेश्चन आए कि विड्थ पेज की या लेंथ, तो मार्जिन सर इंक्लूड करके बताना है कि वो सिर्फ? हाँ, इंक्लूड करके, मार्जिन इंक्लूडेड होता है, पेज विड्थ में इंक्लूडेड होता है। जी बेटा, और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप में से कोई भी स्टूडेंट? चलें जी, फिर आज के लिए इतना ही काफी है।